गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम आपके लिए चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 7, कारक। ये कारक क्या होते हैं? हमारे जो सेंटेंस बनते हैं उनके बीच में, पर, को, के लिए, ऊपर, पर, ये सब शब्द यूज़ किए जाते हैं, तो यही हमारे कारक होते हैं। इन कारक चिन्हों के बिना यूज़ किए हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं कि कौन कौन सेंटेंस हैं और उसमें क्या कारक चिन्ह जुड़े हैं। राघव ने माधव को पुस्तक दी, तो ने और को दोनों कारक हैं। रेखा के साथ हाथ से फूल गिर गया, तो रेखा के हाथ से, तो रेखा के और से दोनों कारक हैं। वो निकिता की घड़ी है, ठीक है, तो निकिता की, तो ये की भी कारक है। माँ चाकू से फल काटती है, तो ये भी हमारा कारक है। माँ के लिए पानी लाओ, तो के लिए भी कारक है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, रस्सी पर, तो जो पर है वो भी हमारा कारक है। अभी हमने आपको बताया था कि जो पर होता है, ऊपर होता है, ये अधिकरण कारक में आता है, ठीक है। अच्छा, चिन्ह जो वे कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही जुड़ते हैं। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। अब यह संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषतया क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कारक चिन्ह और पहचान। कर्ता ने, तो जो कर्ता होगा उसका कारक चिन्ह ने होगा। क्रिया करने वाला, जो काम करने वाला होगा, जैसे रामू ने, तो रामू ने क्या किया? फ्रिज खोला, तो ने क्या है? नामू के लिए यूज हुआ है, और फ्रिज खोला तो ये किसके लिए आएगा? को के लिए आएगा, ठीक है, को खोला। फिर एक कर्ता कारक, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जैसे नेखा ने पत्र लिखा। फिर कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया के कार्य का प्रभाव ना कर्ता पे क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक होता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट होता है करण कारक, काम करने वाले साधन को करण कारक कहते हैं। फिर आता है हमारा संप्रदान कारक, तो जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो इसमें क्या है? माँ बच्चे के लिए दूध लाई, ये क्या है? संप्रदान कारक। जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के ओके स्टूडेंट, यहाँ भी देखते हैं करण कारक, काम करने वाले साधन को करण कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। फिर होता है अपादान कारक, अपादान माने वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए
पे आएगा करण कारक। काम करने वाले साधन को करण कारक कहते हैं, जैसे पल्लवी गुड़िया से खेलती है, ये करण कारक हो गया। संप्रदान कारक होता है जिसके लिए काम किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान से अलग होने का बोध होता है वो अपादान कारक होता है। जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान से अलग होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है, किसी से कोई चीज़ अलग होती है उसके लिए अपादान लगाएंगे। ओके बच्चों, आप लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे, वीडियो सुनेंगे और चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, और मुझे उसका वीडियो बना के सेंड करेंगे। ओके बच्चों।